नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है सुबह के ताजा तरीन खबरों का। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम रोजगार मेला के तहत 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये नियुक्तियां विभिन्न मंत्रालयों में होगी, जहां केंद्र सरकार ने एक साल में 10,00,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के दौरे पर रहेगी कांग्रेसी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, जहां वे राज्य की कांग्रेस सरकार द्वारा आयोजित भरोसा सम्मेलन में शामिल होंगी। वहीं आज ही छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी बस्तर के दौरे पर रहेंगे, जिसे लेकर सीएम भूपेश बघेल ने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर रमन सिंह भी मंच पर आना चाहें तो आ सकते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा आज गुवाहाटी के सुरसजाई स्टेडियम में चल रहे विहू रिहर्सल कार्यक्रम के दौरान विहवन विहवती को एक आश्चर्यजनक उपहार देंगे। इस बात की घोषणा खुद असम के सीएम हिमंत विश्व शर्मा ने की है। नफरती भाषण मामले में काजल हिंदुस्तानी की जमानत याचिका पर आज सुनाया जाएगा फैसला। काजल हिंदुस्तानी ने बीते रविवार को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें ऊना की अदालत के सामने पेश किया था। पटना में आज से सांसद खेल महोत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इसकी शुरुआत मसौरी के गांधी मैदान से होगी और समापन 29 अप्रैल को जगजीवन स्टेडियम दानापुर में होगी। गुजरात से भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा राहुल गांधी की उस याचिका के जवाब में कोर्ट में अपनी आपत्ति याचिका दायर की है, जिस पर आज सुनवाई होगी। बता दें कि राहुल गांधी ने मोदी उपनाम संबंधित टिप्पणी को लेकर मानहानि मामले में अपनी दोष सिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कभी भूली नहीं जा सकती है। जहां आज एक और बैसाखी मनाया जा रहा है, वहीं अमृतसर के जलियांवाला बाग कांड की आज बरसी है, जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। साबरमती जेल से नैनी जेल पहुंचा माफिया अतीक अहमद और बस्ती जेल से अशरफ। उमेश पाल मामले में आज CGM कोर्ट में होगी सुनवाई। बिहार के समस्तीपुर से काठमांडू जा रहे कार सवार 4 युवकों की सड़क हादसे में मौत हो गई है, एक की हालत गंभीर है। 12 साल बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है, जहां 2 साल पहले बनाए गए मुख्य चुनाव आयुक्त गुरुद्वारा आयोग जस्टिस SR सारो ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश और UT चंडीगढ़ के गृह सचिवों को एक पत्र लिखकर मतदाता सूची बनाने को कहा है। हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह को मंत्रिमंडल और हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से हटाने की मांग को लेकर न्याय संघर्ष समिति के बैनर तले एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां न्याय संघर्ष समिति ने महात्मा गांधी, भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। चार धाम यात्रा शुरू होने से पूर्व श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बुधवार को हरिद्वार पहुंचकर सफल और निर्विघ्न यात्रा के लिए संतों का आशीर्वाद लिया, जहां उन्होंने संतों को VKTC द्वारा यात्रा की तैयारियों को लेकर किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी दी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले की आरोपी झारखंड की निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल ने कल ED अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया, जहां से अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर बोले CM शिवराज, स्थिति कंट्रोल में है, फिर भी अलर्ट है सरकार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्षी एकता पर कहा कि महागठबंधन तब बनता है जब भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे कुछ दल एकत्रित हो जाते हैं। साथ ही अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2014 और 2019 में भी यही महागठबंधन बनाया गया था। जम्मू कश्मीर में अगले माह होने वाली G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक के दौरान आतंकी खतरे को समाप्त करने और शांति एवं विश्वास का वातावरण बनाए रखने के लिए स्पेशल टास्क और ड्रोन रोधी प्रणाली को तैनात किया जाएगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बंगाल में कोयले की तस्करी, मवेशियों और सरकारी स्कूलों में भर्ती में अनियमितताओं से संबंधित 3 हाई प्रोफाइल मामलों की जांच कर रही टीमों में अतिरिक्त अधिकारियों की तैनाती की ऐलान की है। महाराष्ट्र में फिर से कोरोना ने लगाई छलांग, जहां पिछले 24 घंटे में 1115 नए मामले मिले हैं, वहीं 9 मरीजों की मौत भी हो गई है।
राजस्थान में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले पुलिस कर्मियों को सामान्य वाहन चालकों से दो गुना जुर्माना अदा करना होगा। साथ ही उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। जहां राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यातायात वीके सिंह ने इस संबंध में पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है। एबीवीपी द्वारा महुआ चरखारी में महापुरुष ज्योतिबा फुले की जन्म जयंती मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शंकर कुशवाहा समाजसेवी एवं वरिष्ठ अतिथि गया प्रसाद कुशवाहा मौजूद रहे। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।